भदौरिया, तुम्हारी सुरक्षा प्रबंध से मैं काफी हद तक संतुष्ट हूँ। पंडित जी, अब दुश्मन तो दुश्मन, किसी की छाया भी दाखिल नहीं हो सकती। याद करो देवी माँ, तुमने हमेशा मेरी विनती सुनी है। आज इस जिंदगी और मौत के भीषण कश्मकश में मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। मेरा इंतकाम सिर्फ इंतकाम नहीं, पाप के सर्वनाश की प्रतिज्ञा है। तारा, तारा ये क्या? ओहो, दुश्मन के आने के खतरे से ये जो तुमने चुनारगढ़ छोड़ने का फैसला किया है, ये बहुत बड़ी नादानी है, मैं बोल रहा हूँ। क्रूर सिंह, आप चुनारगढ़ में मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है। पूरी तरह से सुरक्षित है तारा, मेरी धमकी से पंडित जगन्नाथ और सूर्या ने तुम्हारी सुरक्षा का फौलादी इंतजाम किया है। उनके इंतजामों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ओहो तारा, लेकिन इस बार उनका इंतजाम पुख्ता है। सूर्या, तारा की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है उस गिरोह की सरगना की गिरफ्तारी। इस बार ये दुश्मन गिरफ्तार होकर रहेगी और मैं उसे महाराज से सख्त सजा दिलवा के रहूंगा। मुझे जिंदगी की थोड़ी मोहलत दे दो माँ, बस इतनी मोहलत दे दो कि मैं चुनारगढ़ पहुंच सकूं। क्रूर सिंह, अब किसी और इम्तिहान से नहीं गुजरना है मुझे। उस कातिल औरत का शनि की लाश को लेकर ऐलानिया मेरे कक्ष में दाखिल हो जाना, इस बात का कोई जवाब है तुम्हारे पास? नहीं है ना? नहीं है ना कोई जवाब? बस इसीलिए मैं कोई और खतरा मोल लेने को तैयार नहीं हूँ। मैं चुनारगढ़ छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन तारा, तुम्हारी योजना का क्या होगा? कौन सी योजना? चुनारगढ़ की महारानी बनने का। क्रूर सिंह, तुम मेरी आकांक्षाओं को उकसा कर चालाकी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि चुनारगढ़ की महारानी बनने से ज्यादा जरूरी है मेरी जिंदगी। मुझे जिंदगी की थोड़ी मोहलत दे दो माँ, बस इतनी मोहलत दे दो कि मैं चुनारगढ़ पहुंच सकूं। देखो जाला, देवी माँ ने तुम्हारी विनती सुन ली है। देखो जाला, ये देवी माँ का आशीर्वाद है, इसे देखो। मुझे देवी माँ का आशीर्वाद मिल गया। ओ जाला, अब ये मेरा आखिरी इंतकाम होगा। ज्वाला। हाँ देवा, तुम आ गए। शनि की लाश। हाँ ज्वाला, मैंने शनि की लाश को तारा के तहखाने तक पहुंचा दी है। बहुत खूब, तो ये काम भी हो गया। आप बची सिर्फ तारा। ज्वाला, तुम चुनारगढ़ जाने का इरादा मुलतवी कर दो। इस नाजुक हालत में मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। नहीं देवा, आज तो तुम भी मुझे नहीं रोक सकते जाने से। तुम्हें रोकने की मेरे पास एक वजह है। आज कोई वजह मुझे नहीं रोक सकती। कोई वजह में उतना वजन नहीं कि मुझे रोक सके। लेकिन ज्वाला। लेकिन क्या देवा? ज्वाला, चुनारगढ़ में तुम्हें गिरफ्तार करने के सुरक्षा प्रबंध के परकोटों को मैं देख कर आ रहा हूँ। तुम उसे पार नहीं कर सकती। तुमने भी तो उस चक्रव्यूह को पार किया होगा जब तुमने शनि की लाश को तारा के तहखाने तक पहुंचा है। तब से अब तक इंतजाम और बढ़ा दिए गए हैं। हे बिहार इंतजाम को मेरे इंतकाम का इरादा तोड़ देगा। ज्वाला, तुम हमेशा अपनी मर्जी के आदेश को ही अहमियत देती हो।
लेकिन इस बार मैं अपनी मर्जी से निर्णय लूंगा। देवा। ज्वाला। देवा तुम्हें बिना वजह नहीं रोक रहा है, समझने की कोशिश करो ज्वाला। देवा तुम्हारी भलाई के तहत तुम्हें इरादा बदलने के लिए मजबूर कर रहा है। क्या तुम सब चाहते हो कि मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाए? क्या यानी चाहते हो तुम सब? क्या तुम चाहते हो कि महारानी कलावती पर जुल्म ढाने वाली तरस जिंदा रह जाए? क्या यही चाहते हो तुम देवा? क्या तुम चाहते हो कि देवी माँ का दिया हुआ ये आशीर्वाद का मैं अपमान करूं? क्या यही चाहते हो तुम? बोलो देवा, बोलो माधन। मेरे पास वक्त बहुत कम है, तुम समझने की कोशिश करो। और मरने वाले की इच्छा पूरी करना तो तुम्हारा दायित्व है। क्या क्या हो तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश अंजाम तक पहुंचाने में मेरी मदद नहीं करोगे? बोलो बादल, तुम मेरा साथ नहीं दोगे देवा? दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा देवा। ज्वाला की हालत बहुत नाजुक है। ज्वाला खुद इतनी जख्मी है कि यहां से चुनारगढ़ का रास्ता भी तय नहीं कर सकती, तो इंतकाम लेने की बात तो दूर ही रही। और फिर तुमने खुद ही बताया है कि चुनारगढ़ में सुरक्षा का बेहद पुख्ता इंतजाम है। फिर ज्वाला वहां कैसे जा सकती है देवा? जो कुछ भी हो, हम हर हालात का सामना करेंगे, क्योंकि ज्वाला की ख्वाहिश को मैं हर कीमत पर पूरी करूंगा। ज्वाला को सिर्फ मैं लेकर जाऊंगा। ज्वाला, तुम्हारी ख्वाहिश और कामयाबी के लिए मैं ईश्वर से दुआ करूंगा। तुम्हारी दुआएं मुझे जरूर कामयाबी तक पहुंचाएगी ज्वाला। हर लम्हा मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी ज्वाला। तुम भी मेरे दिल से कभी दूर नहीं रहोगे बादल। अलविदा। विजयगढ़ की राजगद्दी और चंद्रकांता को हासिल करने में तुम मेरी मदद। महाराज के आने से पहले अगर तुम चुनारगढ़ छोड़कर चली गई तो तुम्हारे वादे का क्या होगा? कौन सा वादा, कैसा वादा? अच्छा, तुम मुझसे किया हुआ वादा तुम भूल रही हो? क्रूर सिंह, पहेलियां मत बुझाओ। साफ साफ कहो, क्या वादा किया था मैंने तुमसे? तारा, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम महाराज को राजी करोगी विजयगढ़ पे हमला करने के लिए। हाँ, एक बात और, हमले के जरिए विजयगढ़ की राजगद्दी और चंद्रकांता को हासिल करने में तुम मेरी मदद करोगी। क्रूर सिंह, होश की दवा करो। तुम्हें विजयगढ़ की राजगद्दी की पड़ी है और चंद्रकांता की पड़ी है, और मुझे अपनी जान की पड़ी है। हम जरूर पहुंचेंगे ज्वाला, अब चुनारगढ़ दूर नहीं। दुश्मन के आने के वक्त हमें बेहद चौकसी बरतनी होगी सूर्या। पंडित जी, इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने वैसा ही बंदोबस्त किया है। क्रूर सिंह, ना तो मुझे तुम्हारे साथ किए हुए किसी वादे की कोई फिक्र है और ना ही चुनारगढ़ के बंदोबस्त की कोई परवाह। तारा, अगर तुम्हें मुझे दिए हुए वादे की फिक्र नहीं है तो ये भी सुन लो कि मैं अब तक बेवजह तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था। क्रूर सिंह। हाँ, और ये भी सुन लो, मेरी मर्जी के बगैर तुम चुनारगढ़ छोड़कर हरगिज नहीं जा सकते। अच्छा, तो इसका मतलब है तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, यही समझ लो। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि इस महल को छोड़कर तुम जाओगी कहाँ? कहीं भी, किसी भी महफूज जगह पर। अभी तो दुश्मन को पता है कि मैं यहाँ हूँ, पर एक बार मैं चुनारगढ़ से बाहर चली गई
तो किसी को मेरा अता पता भी नहीं मिलेगा। तारा, फिलहाल तुम चुनारगढ़ छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। यही तो मैं इसे समझा रहा हूं, लेकिन समझे तब ना। क्रोध सिंह, तुम और तुम पंडित जगन्नाथ, तुम मुझे रोकने का कोई हक नहीं रखते। हक है तारा, महाराज की गैर मौजूदगी में चुनारगढ़ से संबंधित हर फैसला लेने का मुझे हक है। वो हक तुम्हें होगा, लेकिन मेरी जिंदगी और मौत का फैसला लेने का हक तुम्हें नहीं है। तारा, तुम्हारी जिंदगी के लिए जो संगीन और खतरनाक खतरा साबित हो चुका है, उसका सामना करने के लिए हमने ठोस इंतजाम किया है। हाँ तारा, अब तुम्हारे जान की हिफाजत की जिम्मेदारी अब हमारी है। भरोसा रखो, हमारे कड़े सुरक्षा प्रबंध के सामने किसी की मजाल नहीं जो चुनाव में दाखिल हो सके। वही तो पंडित जी, मैं इतनी देर से इसे समझा रहा हूँ, लेकिन डर के मारे ये अपना सूझबूझ खो बैठी है। यक, ये क्रूर सिंह के तेवर इस वक्त बदले हुए क्यों आए? तारा देखो, चुनारगढ़ में तुम इस समय पूरी तरह महफूज हो। तुम इस वक्त हौसला रखो, जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत है। मुझे किस चीज की जरूरत है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम अपनी नासमझी की जरूरत में एक गलत कदम उठाने जा रही हो तारा। मैं तुम्हारी बात में छिपे हुए जहरीले इशारे को अच्छी तरह समझ रही हूँ पंडित जगन्नाथ। नहीं तारा, अब वो वक्त आ गया जब तुम खुद अपनी जहरीली करतूतों का सही सही नतीजा समझो। याद करो तब मैंने क्या कहा था। पंडित जगन्नाथ, तुम तो बड़े कर्मयोगी, अच्छाइयों के ठेकेदार बनते हो। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, ये तुम क्या जानो तारा? तुमने जिंदगी में पाप के अलावा कुछ किया भी तो नहीं। लेकिन याद रखना, बुराई की जिंदगी लंबी नहीं होती है, लंबी होती है सिर्फ अच्छाई की जिंदगी। याद आया मैंने क्या कहा था? तुम्हारे चेहरे पर मौत की उड़ती हुई हवाइयां देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है। पंडित जगन्नाथ, अपनी ये नसीहत और अपना तरस अपने लिए संभाल के रखना। तुम्हारे कुकर्मों की सजा तो तुम्हें मिली जाएगी, लेकिन फिलहाल तुम्हारी सुरक्षा चुनारगढ़ की जिम्मेदारी और मजबूरी दोनों है। और तारा, ये जिम्मेदारी निभाने के लिए हम चुनारगढ़ के दुश्मन को गिरफ्तार करके रहेंगे। देवा, क्या ये वो सुरंग है? हाँ ज्वाला, मैंने तुम्हारे इंतकाम के लिए शनि को इसी सुरंग से फरार किया था। ये सुरंग महल के दायरे से बाहर है। चुन्नी, राम नारायण, क्या अभी तक इस यंत्र ने संकेत नहीं दिया? नहीं चुन्नी, इस यंत्र पर अब लगातार चौकसी की नजर रखनी होगी। हाँ, और जैसे ही दुश्मन महल की सीमा में दाखिल होगा, किसी जरिए से यंत्र संकेत देगा, ध्वनि संकेत।
यंत्र सक्रिय हो रहा है। देखो पन्ना, देखो चुन्नी, रामनारायण, दुश्मन महल में दाखिल हो चुका है। सूर्या, यंत्र ये संकेत कर रहा है कि दुश्मन खुफिया रास्ते के जरिए महल में घुस रहा है। चलो बाहर आ गई। चलो फौरन चलो। ये गश्ती सैनिकों के कदमों की आहट, लगता है इधर खतरा है। खतरे की फिक्र मत करो देवा, बढ़ते चलो। तुम सब यहां पर तैनात हो जाओ। ज्वाला, ये जरूर सूर्या के चक्रव्यूह वाले यंत्र की आवाज है। वो हमें गिरफ्तार करने निकल चुके हैं। देवा, मेरे पास जिंदगी कितनी बची है कि कोई मुझे जिंदा गिरफ्तार करेगा। चलो चुनारगढ़ के दुश्मनों, तुम बच नहीं सकते। देवा, देवा लगता है कि मैं तारा के कक्ष तक की दूरी नहीं तय कर पाऊंगी। एक काम करो, मुझे महारानी कलावत के कक्ष तक पहुंचा दो। लेकिन ज्वाला, महारानी के कक्ष का रास्ता मुझे नहीं मालूम। इस सुरंग की दक्षिणी तरफ एक छोटी सुरंग है, वही कलावत के कक्ष तक जाएगी। देवा, यही महारानी का कक्ष का रास्ता है, मुझे ले चलो देवा। हाँ ज्वाला, मुझे महारानी को तारा की कातिलाना साजिशों के खिलाफ पहन देना है। चलो चलो। सूर्या, क्या पन्ना? सुरंग का दक्षिणी सिरा सीधे महारानी के महल की तरफ जाता है। लेकिन कैसे पता कि दुश्मन उधर ही गया है? सूर्या, वो देखो खून के